हेलो दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी का कार्बोरेटर है, और इसके अंदर दोस्तों दरअसल प्रॉब्लम ये है कि कार्बोरेटर जो है वो ओवरफ्लो करने लगा है। तो जब भी दोस्तों आपका कार्बोरेटर ओवरफ्लो करता है तो इसको बिना खोले और क्लीन किए आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे कार्बोरेटर की तरह इसके अंदर ड्रेनेज लाइन का जो बोल्ट होता है क्लीन करने के लिए ये नहीं होता है। इसका जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग होता है। तो दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है कार्बोरेटर के नीचे वाला, ये वाला हिस्सा है जिसको हम पेट्रोल चैम्बर या ड्रेनेज चैम्बर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी ड्रेनेज का स्क्रू नहीं दिया गया है। बाकी दूसरे जो कार्बोरेटर होते हैं मोपेड के अलावा, उन सारे कार्बोरेटर के अंदर यहाँ पे एक ड्रेनेज का बोल्ट होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि जब भी आपके पेट्रोल के साथ कुछ कचरा आ जाता है और आपका कार्बोरेटर जो है वो ओवरफ्लो होने लगता है, तो उस समय आपको इस स्क्रू को लूज करके पेट्रोल के बहाव के साथ दोस्तों इसके अंदर जो गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है। तो चलिए, मेरे पास दूसरा भी कार्बोरेटर है, तो ये सुजुकी का कार्बोरेटर है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं चैम्बर में यहाँ पर ड्रेनेज का स्क्रू दिया गया है और ये ड्रेनेज का पाइपलाइन है, मगर यहाँ से टूट चुका है। तो दोस्तों, जैसे हम इस स्क्रू को ओपन करते हैं तो पेट्रोल के बहाव के साथ जो अंदर गंदगी होती है थोड़ी बहुत, वो भी निकल जाती है। और उस समय दोस्तों हमें क्या होता है कि कार्बोरेटर को ओवरफ्लो के समय इसको ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये वाला जो कार्बोरेटर है इसमें कहीं पर भी, आप लोगों को मैंने बता दिया कि कहीं पर भी कोई ड्रेनेज लाइन का स्क्रू नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से दोस्तों ये वाला जो कार्बोरेटर है इसको हमें ओपन करके क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। और सिस्टम नहीं होने की वजह से आपको कार्बोरेटर को बाहर निकाल के क्लीन करना ही होगा। तो क्लीन करने के वक्त आपको दोस्तों इसमें क्या क्या करना है पूरा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कार्बोरेटर को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार की सिरिंज होनी चाहिए। सिरिंज के अंदर पेट्रोल भर के ये जितने भी छेद आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, जितने भी सारे छेद आपको दिख रहे हैं इनमें आपको अच्छे से पेट्रोल का प्रेशर लगा के इसको क्लीन कर लेना है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप पेट्रोल का प्रेशर लगाते हैं तो इसके अंदर छेद के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो पूरी गंदगी हट जाती है, क्योंकि प्रेशर जो है वो काम ही यही करता है। पेट्रोल का प्रेशर है इस सारे छेद को अच्छे से क्लीन कर देता है। और इसके बाद दोस्तों खास बात यह है, ये वाला जो निडल वाल है इसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर इसका आगे का जो ये पॉइंट है रबर वाला, ये डैमेज हो चुका है तो आपको इसको चेंज कर लेना है, क्योंकि इसको चेंज किए बिना आपका जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाला। अगर ये रबर का पॉइंट जो है वो डैमेज हो चुका है, अगर डैमेज नहीं हो चुका है, अगर सही है, तो इसको आप क्लीन करके वापस डाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से सिरिंज में धीरे से पेट्रोल भर लेना है, और ये जो सारे छेद है इनके अंदर इस प्रकार से प्रेशर मारना है, फिर वापस सिरिंज को भरना है। और इसी प्रकार से दोस्तों 2-4 बार आप करेंगे तो आपका कार्बोरेटर जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसको इस प्रकार से अंदर छेद कर लेना है। और यहाँ पर भी जितने भी छेद है इनके अंदर आपको प्रेशर लगा लेना है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं ज़्यादा जोर से प्रेशर लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा सारा बिगड़ जाएगा मेरा। तो इस प्रकार से दोस्तों पेट्रोल से आपको अच्छे से इसको प्रेशर लगा लेना है, और इसके बाद एक अच्छे से कॉटन से कपड़े से इसको क्लीन कर लेना है।
इस प्रकार से कार्बोरेटर को क्लीनिंग और फिटिंग करने के बहुत से वीडियो मेरी चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक रबर का ओरिंग होता है, अगर वो ओरिंग दोस्तों कट चुका है या खो चुका है तो इसको ज़रूर आप डालें नया, क्योंकि इसके बिना आपका माइलेज सेट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद दोस्तों एयर मिक्सचर स्क्रू को लगा लेना है। और एयर मिक्सचर स्क्रू को किस प्रकार से सेट किया जाता है इसका ऑलरेडी वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो दोस्तों TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी माइलेज सेटिंग के नाम से इसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इसको लगा देते हैं। एयर मिक्सचर स्क्रू को दोस्तों पूरा कसने के बाद हमने 2.5 चूड़ी खोला हुआ है और मोपेड में लगाने के बाद एक बार हम इसका अच्छे से माइलेज सेट कर लेंगे। और इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। और इसके बाद दोस्तों मोपेड में हमें कार्बोरेटर को इंस्टॉल कर लेना है। और आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना सा ही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपकी भी मोपेड के अंदर ओवर फ्लो की समस्या हो रही है तो इस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो चैम्बर में ड्रेनेज बोल्ट होना चाहिए वो इसमें नहीं है, क्योंकि मोपेड में ज़्यादातर होता ही नहीं है और कोई कोई कार्बोरेटर में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना सा ही। अगर हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।